good morning students welcome in online computer class for class 4th in last week video we start chapter number 3 computer memory and we learn about primary memory now we learn about secondary memory सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दिस मेमोरी एनश्योर्स दैट द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली एंड कैन बी यूज एज रिक्वायर्ड यू कैन रीड राइट और चेंज डेटा इन दिस मेमोरी डेटा कैन इवन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क पेन ड्राइव एक्सेट्रा स्टूडेंट सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब होता है वह डिवाइस जो कि हम कंप्यूटर सी में बाहर से लगाते हैं इस टाइप की मेमोरी में हम डेटा को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं और हम जब चाहें तब उसे रीड कर सकते हैं उस पर कुछ भी राइट कर सकते हैं और डेटा को चेंज भी कर सकते हैं इस टाइप के मेमोरी में हम डेटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं कई तरीके की सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं डिवाइस होती हैं जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सी के नाम से भी जानते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसे हम डी भी कहते हैं और पेनड्राइव नाउ वी लर्न अबाउट फ्लॉपी डिस्क Floppy disk was the most commonly used storage medium around 8 to 10 years back. It is a circular magnetic disk enclosed in a square or rectangular shaped plastic body. The data can be read and written with the help of a floppy disk drive. Floppy disk was available in two sizes 5.25 inch and 3.5 inch. 5.25 inch, .5 inch floppy disk could store up to 1.2 MB data, while 3.5 inch floppy disk could store up to 1.44 MB data. स्टूडेंट्स फ्लॉपी डिस्क जो है वो करीब आठ पिछले आठ दस सालों से यूज़ किया जा रहा है फ्लॉपी डिस्क का जो शेप होता है वे बीच में गोल मैग्नेटिक यानी चुंबकीय शेप होता है जो कि चारों तरफ से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के एक प्लास्टिक बॉडी में कवर होता है इस टाइप के डिस्क में हम फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क दो साइज में आता है एक फ़ाइव इंच और दूसरा थ्री इंच जो 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें कम से कम 1.2 पॉइंट डेटा को स्टोर किया जा सकता है जबकि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में कम से कम 1.44 पॉइंट डेटा को स्टोर किया जा सकता है स्टूडेंट्स दिस इज द इमेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क नाउ वी लर्न अबाउट हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क इज अ सर्कुलर मेटल डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटीरियल एंड यूजली सील्ड इन अ हार्ड डिस्क ड्राइव इन साइड द कम्प्यूटर हार्ड डिस्क हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू वन टेरा बाइट हार्ड डिस्क जो है वो एक सर्कुलर यानि गोल्ड मेटल डिस्क होता है जो कि एक चुम्बकीय मटीरियल से चारों तरफ से कोटेड होता है और वह सील होता है हार्ड डिस्क और उसे हम कम्प्यूटर के अंदर सी पी यू के अंदर लगाते हैं हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह बहुत बड़ी होती है उसमें कम से कम वन ट्रेटा बाइट या उससे ऊपर का डेटा स्टोर किया जा सकता है लुक एट दिस इमेज दिस इज हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स do you know the first hard disk drive was the IBM model 350 disk it had डिस्क to हैड फाइव टू ट्वेंटी फोर इंच प्लेटर्स कंटेंट इन साइड अ कैबिनेट दिस यूज स्टोरेज डिवाइस कुड स्टोर ओनली बच्चों क्या आप जानते हैं सबसे पहला जो हार्ड डिस्क था उसका नाम था आई बी एम मॉडल थ्री फिफ्टी डिस्क इसमें कम से कम पचास से चौबीस इंच की प्लेट्स लगी हुई थी जो कि कैबिनेट के अंदर लगाई जाती थी कैबिनेट मतलब सी पी यू और इसकी जो सबसे स्टोरेज कैपेसिटी थी सबसे से ज्यादा होती फाइव एम बी ऑफ डेटा नाव लर्न अबाउट कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी इज अमॉल पोर्टेबल डिवाइस इट इज राउंड मीडियम साइज डिस्क यूज फॉर स्टोरिंग म्यूजिक वीडियो टेक्स एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म सी डी वर्क विद्प ऑफ सी डी ड्राइव ओनली अटर इज नेरी फॉर राइटिंग डेटा ऑन सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क आर अवेलेबल इन थ्री फॉर्म स्टूडेंट कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सी के नाम से भी कहते हैं वो एक स्मॉल छोटा पोर्टेबल डिवाइस होता है जो कि गोल मीडियम साइज का डिस्क होता है जिसमें कि हम म्यूज़िक वीडियो या टेक्स्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकते हैं सी पर काम करने के लिए हमें अपने सी में सी ड्राइव को लगाना ज़रूरी होता है जिसे सी राइटर भी कहते हैं जिसके द्वारा हम सी पर कुछ भी डेटा राइट कर सकते हैं स्टूडेंट कॉम्पैक्ट डिस्क सी थ्री uh, टाइप्स की होती हैं फर्स्ट सी डी आर कॉम्पैक्ट डिस्क री रिकॉर्डेबल इट इज़ रीड ओनली सी डी सबसे पहले सी डी आर जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क री रिकॉर्डेबल कहते हैं इसका यूज़ केवल रीड करने के लिए डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है सेकेंड सी डी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल इट कैन बी यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन सी डी आर डब्ल्यू का यूज़ डेटा uh, को रीड करने और राइट करने के लिए भी किया जाता है सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी द डेटा कैन बी रिटेन वंस ऑन द सी डी बट कैन बी रीड एनी नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट सी डी रोम पर हम डेटा को एक ही बार राइट कर सकते हैं लेकिन हम उसे कई बार रीड कर सकते हैं लुक एट दिस इमेज दिस इज़ द इमेज ऑफ सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क Now we learn about digital versatile disc DVD. डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क डी वी डी इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ़ डेटा ऑन वन डिस्क डी वीडी डिस्क कैन स्टोर अप टू सेवनटीन जी बी ऑफ डेटा स्टूडेंट डी जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है जो सी डी से ज़्यादा नई है इसमें सी डी से कई ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है केवल एक ही डी वी डी पे और डीवीडी की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है उसमें जो डेटा को स्टोर करने की क्षमता है वह सत्रह जी बी से सेवनटीन जी बी से कहीं ज़्यादा है This is the image of DVD. Now we learn about Blu-ray disc. ब्लू रेड डिस्क कैन होल्ड अप टू टेन टाइम्स मोर इन्फार्मेशन देन अस्टैंडर्ड डी वीडी दिस डिस्क इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड गेम्स एंड मूवी डेटा द नेम ब्लू रेड डिस्क इज ड्राइव फ्राम द ब्लू वॉलेट लेजर दैट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन इट स्टूडेंट ब्लू रेड डिस्क जो है वह डीवीडी से कहीं ज़्यादा दस गुना ज्यादा मात्रा में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वह बहुत अच्छी क्वालिटी के साउंड गेम्स और मूवी या अदर डेटा जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनको स्टोर करने के लिए होती है ब्लू रे डिस्क का नाम ब्लू इसलिए है क्योंकि इसमें जो ब्लू वॉलेट लेज़र किरणें होती हैं जिनके हेल्प से हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं इस डिस्क पर दिस इज़ ब्लू रे डिस्क नाव वी लर्न अबाउट पेन ड्राइव pen drive is a plug and play device it is a small portable memory stick that is plugged into a computer's usb port it can be easily carried in a pocket it can be plugged into any computer through the usb port it has a large storage capacity generally in terms of gigabytes Pendrive is also called a flash drive key drive thumb drive or usb drive pen drives with high storage capacity of 4gb 8gb 16gb 32gb are easily available in the मार्केट स्टूडेंट्स जो पेन ड्राइव है उसे प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पेन ड्राइव को किसी भी सिस्टम में लगाकर उसे चला सकते हैं पेन ड्राइव एक छोटी सी मेमोरी स्टिक होती है जिसे हम कंप्यूटर के यू पोर्ट में कंप्यूटर में एक यू पोर्ट होता है उसमें लगा कर चलाते हैं इसे हम बहुत आसानी से इसके अंदर मेमोरी और अपना डेटा स्टोर करके बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पॉकेट में अपने पर्स में रख कर ले जा सकते हैं इसे किसी भी कंप्यूटर यूएस बी पोर्ट में लगा कर चलाया जा सकता है और उसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती, होती है वे गीगा बाइट्स में गीगा बाइट्स में होती है पेन ड्राइव को स्टूडेंट्स फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं की ड्राइव थम ड्राइव और यूएस ड्राइव भी कहते हैं पेन ड्राइव की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वे कई तरह की होती है जैसे फोर जी बी एट जी बी सिक्सटीन जी बी थर्टी टू जी बी और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है now we learn about memory card a memory card is a stamp side usb device inserted into either a memory card reader or a usb converter it is then seen by the computers as a removable drive there are many available memory cards formats but since 2010 the sd card become the more favorite format they are available in various storage capacities ranging up to 512 gb मेमोरी कार्ड इसे मेमोरी चिप भी कहते हैं इसे आपने देखा है इसे हम अपने फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मेमोरी कार्ड एक स्टैम्प साइज का यूएसबी डिवाइस होता है जो कि या तो मोबाइल फ़ोन्स में लगाया जा सकता है या कंप्यूटर में इसमें मेमोरी सेव करने के लिए कंप्यूटर में कार्ड रीडर के ज़रिए इसे यूएसबी पोर्ट में लगाकर यूज़ करते हैं और ये कंप्यूटर की रिमूवेबल ड्राइव होती है मतलब इसे हम निकाल भी सकते हैं और दोबारा से लगा भी सकते हैं ये पहले कई मेमोरी फॉर्मेट्स में आया करता था लेकिन 2010 से एच कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और फेवरेट है मेमोरी कार्ड भी कई स्टोरेज कैपेसिटीज़ के रूप में मिलता है और इसकी जो तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व गीगा बाइट Students do you know punch cards was the first form storage media used by Charles Babbage later drum memory was invented by Austria followed by mechanic memory based on sliding metal parts स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहला स्टोरेज मीडिया यानी मेमोरी uh, या डेटा को स्टोर करने का जो सबसे पहला मीडिया था उसे पंच कार्ड के नाम से जाना जाता था जिसे कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज के द्वारा यूज़ किया गया था उसके बाद ड्रम मेमोरी आया जिसे ऑस्ट्रिया में बनाया गया था यह एक मैकेनिक मेमोरी कार्ड था जो कि स्लाइडिंग मेटल पार्ट्स यानी कि जो स्लाइड वाले मेटल पार्ट्स होते हैं उन पर बेस्ड था Look at this image, students. This is the image of memory card or memory chip. Thank you.